हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ यह है कि अगर हम दो रोल्स रॉयस में एक साथ बैठेंगे फिर उनको ब्लास्ट करेंगे तो वो डिस्पॉन नहीं होगी। तो मैंने कर दिए दो रोल्स रॉयस को स्पॉन। इसकी चीट कोड है 2000 की। अब पहले इनको बराबर खड़ा करते हैं ताकि हम दोनों में एक साथ बैठ सकें। और जैसे हम इसको लगाते हैं गाइस, हमें ऑप्शन आ जाएगा। वैसे ऑप्शन दिखता नहीं है, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। जैसे ये दो गेट खोलेंगे मतलब कि हमने ग्लिच सही लगाया और हम अब दोनों में बैठे। लेकिन गाइस, अभी दूसरी जो रोल्स रॉयस है वो चल नहीं रही है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ग्लिच हमारा लग चुका है। हमारा मेन मिथ ये है कि हमें इसको फोड़ के देखना है। तो आ चुका हूँ मैं बाहर, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा दूर, निकालते हैं अपनी RPG लॉन्चर और फोड़ते हैं दोनों रोल्स रॉयस को और देखते हैं क्या ये डिस्पॉन होंगी कि नहीं। वैसे ये वाली बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम फटी है भाई, डिग्गी की सब बाहर आ गई। ये वाली उतनी कुछ खास फटी नहीं थी, जबकि दोनों को तो सेम ही फटना चाहिए था, ठीक है। लेकिन डिस्पॉन का देखते हैं। साथ में एक और गाड़ी हम रख के फोड़ देते हैं तो हमें इससे भी आइडिया लग जाएगा क्या रहता है। कि देखो, एक गाड़ी जो है वो हो चुकी है डिस्पॉन, दूसरी वाली का मुझे अभी समझ आ नहीं रहा कि कितनी देर हो गई इसको, इसलिए दूसरी भी मैंने एक फोड़ के रख दिया। अगर वो डिस्पॉन हो गई और ये नहीं हुई, मतलब आप समझ जाना कि ये कभी डिस्पॉन नहीं होगी। तो जो हमारी पोर्शे थी वो भी डिस्पॉन हो चुकी है और इतनी देर में ये अभी तक नहीं हुई, तो मतलब ये होगी भी नहीं और ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम ट्रेन के बगल वाले एरिया में जो बड़ा रैंप है उस पर हेलीकॉप्टर से जाएं तो हम उस पर चल सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर को मैंने बुला लिया है। बगल में हमारे एक रैंप रहता है फन ट्रैक है, ये बड़ा वाला, इसके ऊपर मैं आज तक गया नहीं, ना ही मैंने जाने की कभी ट्राई करी है गाइस। तो करना, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ भाई कि इसके ऊपर तो यार ये कुछ और भी है। मतलब ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि इसके ऊपर ऐसे दो एरो बने हैं और ये क्या क्या है पता नहीं। लेकिन देखते क्या हम इस पे खड़े हो पाते हैं कि नहीं। पहले तो हेलीकॉप्टर को हमें रखना पड़ेगा इसके ऊपर। इधर ज़्यादा जगह है नहीं शायद से, क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर है ना वो नीचे आ जा रहा है यार बार बार। सिर्फ पता है ये जो बीच के दो पाइप है ना वाइट वाले, ये इसके ऊपर ही मतलब शायद से रखा जा रहा है, वरना जो बगल में ये चार अपने ऊपर आ रहे हैं रैंप, इसके ऊपर तो मेरा हेलीकॉप्टर यार आर पार ही चल जा रहा है, उसके ऊपर रखा नहीं रहा है। तो पता नहीं मैं इसके ऊपर खड़े हो पाऊंगा कि नहीं। ये देखो, बस ये रेलिंग के ऊपर ही हल्का सा रखा रहा है, वरना तो नहीं हो रहा। अब लक पे छोड़ देते हैं यार, क्योंकि ये हो नहीं रहा है इसके ऊपर खड़ा। तो उतर के देख लेता हूँ, अगर ये खड़ा हो गया तो ठीक है, वरना मुझे भी कम चांसेस लग रहे गाइस। बहुत ही कम जगह है यहाँ पे खड़े होने की। मैं आ चुका हूँ बाहर और हम हो चुके हैं खड़े। देखा, मैंने बोला था ना लक पे छोड़ दो, ज़्यादा मेहनत में करता तो होता ही नहीं है कभी। तो अब देखते हैं कि कितना बड़ा एरिया है यहाँ पे चलने का। थोड़ा तो मैं चल के दूर आ चुका हूँ हेलीकॉप्टर से। ये आपको कंफर्म हो गया ना कि मैं अब हेलीकॉप्टर के ऊपर तो नहीं खड़ा हूँ किसी भी चांस से, ठीक है। मैं बिल्कुल हवा में खड़ा हूँ, हवा में नहीं मतलब ये रैम के ऊपर। यार ये हेलीकॉप्टर भी हट नहीं रहे यहाँ से। मैंने इस पे देखो RPG मार के देखा, मेरी खुद हेल्थ कम हो गई, लेकिन यार ये हेलीकॉप्टर को पता नहीं क्या हो गया, ये हट ही नहीं रहा यार यहाँ से। तो इतनी जगह है गाइस यहाँ पे चलने लायक थोड़ी सी। मुझे लगता है हल्का सा और आगे बढ़ूंगा तो नीचे गिर जाऊंगा। अभी तक गिरा नहीं, लेकिन यार अभी तक नहीं गिरा, अभी भी हम लोग हवा में ही खड़े हैं बहुत ही ज्यादा हाइट में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हल्का सा। ओके, तो इतना रेंज था गाइस इस प्लेटफॉर्म का, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि हमें सुपर स्प्लेंडर को गिरा के वो घूस वाला ग्लिच करना है, फिर सुपर स्प्लेंडर के ऊपर स्टिकी बम डालना है, फिर यही चीज रिपीट करते जाएंगे हम लोग तो फिर हमारी मुंडी जो है वो भूत के जैसी टेढ़ी हो जाएगी। तो सुपर स्प्लेंडर मैंने बुला दिए, इसको गिराना पड़ेगा हमें घूस ग्लिच करने के लिए। इन्फिनाइट हेल्थ लगा लिए, स्काईफॉल और एंटर का ऑप्शन हमें साथ में दबाना है गाइस। ये देखो, ये बाइक है जिसपे हमने किया था और अब हम इसके आर पार आ सकते हैं। तो अब हमें इस पे मारना है स्टिकी बम, ठीक है। तो स्टिकी बम मारते हैं और ये क्या हुआ भाई, मैं कहाँ टेलीपोर्ट मार गया। यहाँ पे टेलीपोर्ट ग्लिच हो चुका है शायद से, क्योंकि ऑप्शन आने लगा है बाइक का, वैसे नहीं आता है, लेकिन हमने ना स्टिकी बम डाला ना तो शायद आने लग गया। यार ये तो फिर दिक्कत है, क्योंकि मिथ में लिखा है कि हमें यही चीज रिपीट करनी है और रिपीट कर ही नहीं सकते अगर हम लोग टेलीपोर्ट हो जा रहे हैं ना, क्योंकि ऑप्शन आएगा, ऑप्शन पे दबाएंगे तभी वापस स्काईफॉल कर सकते हैं। देखो इस बाइक पे तो ये पॉसिबल है नहीं गाइस, क्योंकि हम लोग को जैसे ऑप्शन आएगा बाइक का हम लोग टेलीपोर्ट हो जाएंगे। तो फिर रिपीट हो सकता है तो एक दूसरी बाइक मंगा के ही हो सकता है। तो मैंने दूसरी बाइक जो मंगाई है इस पे मैंने ये चीज रिपीट कर दी गाइस, क्योंकि उस बाइक पे तो हो सकता ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हमारी जो मुंडी है वो टेढ़ी हो रही है क्या, एक बार स्टिकी बम मार के देख लेते हैं। देखो फिर टेलीपोर्ट हो गया यार, तो ये कर नहीं सकते अब, क्योंकि यार हो ही नहीं पाएगा, तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हमें पहले 700 डायल करना है, फिर उसके ऊपर 900 डायल करना है, फिर आज इस टूल में लोड और बैठने का ऑप्शन को साथ में दबाना है, फिर होगा मैजिक। तो स्टार्ट करते हैं, पहले 700 से लैम्बोर्गिनी वीटू, 900 से कोनिशेक, ठीक है। अब दोनों कार में साथ में बैठना है, मतलब कि लोड और, ठीक है। तो लोड दबाया हमने यहाँ पे,
टिक और एंटर के ऑप्शन को साथ में दबाया, भाई हो गया ग्लिच। और आधे ग्लिच में हम लोग पता नहीं पानी में गिर गए यार। ये क्या हुआ, पानी भी नहीं है, ये पानी के नीचे के वॉइड में आ चुके हैं हम लोग, और वॉइड में हम लोग फंस गए हैं। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि मस्टैंग के पीछे कैमरा होता है। तो मस्टैंग की चीट कोड है गाइस 8123। अब इसके पीछे कैमरा लगा है बोल रहे हैं, पीछे वैसे सुपरकार्स के कैमरा रहता है, सुपरकार और बाकी कार के भी, टेस्ला वगैरह के। तो कैमरा, बैक कैमरा जो है वो होना चाहिए। ठीक है, मुझे दिख रहा है शायद से, भाई स्नाइपर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख गया मुझे गाइस, ये रहा, ये कैमरा रहता है पीछे से, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में भी रहता है। अब देखते हैं अंदर के स्क्रीन में है कैसा कुछ। बैठ के इसमें फर्स्ट पर्सन करते हैं, भाई नहीं है यार, वो स्क्रीन की जगह तो है मुझे लग रहा है, लेकिन स्क्रीन बंद तो नहीं है। नहीं गाइस, शायद लगाई नहीं है स्क्रीन इन लोगों ने। ठीक है, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हेलीकॉप्टर और प्लेजर में एक साथ बैठने के बाद प्लेजर से उतरकर फिर किसी बाइक को गिराकर उस पर स्काईफॉल लगा के साथ में बैठने का ऑप्शन दबाना है, फिर बाइक रिमोट कंट्रोल हो जाएगी। भाई काफ़ी पेचीदा है लेकिन करते हैं। ठीक है, एक हेलीकॉप्टर एक प्लेजर। प्लेजर की चीट कोड है गाइस 4x0, जो पहले एक्टिवा की थी। अब पहले तो दोनों में साथ में बैठना है, आगे ऑप्शन ये बैठा मैं और हम बैठेंगे प्लेजर के ऊपर। ठीक है, हेलीकॉप्टर हमारा जो है वो यहाँ पे रिमोट कंट्रोल हो चुका है। और ये कैसे बैठा यार गाइस, ये सेम सीन भाई, किसी की गाड़ी पंचर हो जाती है ना तो बंदा ऐसे चलाता है, तो सेम ही ऐसे चला रहा है। और एक हाथ जो है भाई, एक हाथ जो है वो इसका जेब में है, तो इसे कहते हैं स्वैग। पंचर हो गई भाई की गाड़ी, लेकिन स्वैग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छा तो लग रहा है, वैसे कूल लग रहा है भाई काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हम आगे का करते हैं ग्लिच। अब हमें उतरना है इससे और एक दूसरी बाइक मंगानी है, जैसे कि 400 से मंगाई ZX10R, फिर इस पे पहले इन्फिनाइट हेल्थ लगा लेता हूँ क्योंकि हमें इसे गिरा के स्काईफॉल करना है इसके ऊपर, और साथ में बैठने का ऑप्शन भी दबाना है, जो घोस ग्लिच किया था ना हमने पहले वही करना है। तो ये गिरा मैं नीचे, और जैसे ही मैं गिरता हूँ, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, ऐसा नहीं लगा मेरे बगल में से बाइक गई मेरी, अच्छा वो गई क्या। और यार भाई यार सही में मैं तो डर गया था यार, ये क्या हुआ, अचानक से मेरी बाइक कैसे चली गई मेरे बगल में यार, कौन चला रहा है इसको, अजय देवगन, छोटी बच्ची हो क्या। नहीं नहीं गाइस, ये टार्जन द वंडर बाइक है, ये अपने आप चल रही है इस रिमोट कंट्रोल, मतलब मैंने अभी तक शायद से रिमोट कंट्रोल बाइक चलाई थी इतनी प्रॉपर, इतनी खतरनाक तो नहीं चलाई थी यार, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई बंदा ही चला रहा है, कोई दूसरा बंदा। इसको हम लोग यार वीली वीली मार के देखते हैं, वो मार भी रही है, वो सामने का सीन देखो, देखो गाइस क्या स्टंट मार रही है यार मेरी बाइक यार, जबकि पता नहीं कौन चला रहा है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हमारे ओल्ड हाउस के सामने जो स्प्लेंडर रहती है, अगर हम गन का ऑप्शन दबाएं और बाइक को देखें ध्यान से, तो वो हिल रही होती है। तो ये है वो बाइक जो कि डिफॉल्ट में खड़ी है सुपर स्प्लेंडर से, भाई हिल, हाँ यार हिल तो रही है, ये तो नॉर्मली हिल रही है क्या, ये देखो गाइस मैंने गन के ऑप्शन पर दबाया और मेरी बाइक जो है अपने आप हिल रही है भाई हवा से, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको टच भी नहीं किया है, ये देखो अपने आप हिल रही है जैसे हवा से हिलती है ना, लेकिन बाइक तो कभी हिलती है नहीं यार, इसमें ऐसा क्यों लग रहा है गन के ऑप्शन पर दबाने पर। ये देखो नॉर्मली ये हिलने रही है गाइस, लेकिन जैसे ही मैं ना गन के ऑप्शन पर दबाता हूँ ना, ये हिलना चालू कर देती है पता नहीं क्यों। तो एक तरीके से हम लोग हवा को कंट्रोल कर रहे हैं गाइस, एयर बंडर बन चुके हैं हम लोग। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हमें एटीवी और प्लेजर के बीच में स्काईफॉल करते हुए बैठना है, फिर एटीवी के पास जाएंगे, फिर होगा मैजिक और ग्लिच रिमूव करना है, तो फिर किसी बाइक के पास चले जाओ। तो पहले बुलाते हैं एटीवी को, 4x2 की चीट कोड है इसकी, फिर 4x0 से आएगी प्लेजर, इन दोनों के बीच में बैठना पड़ेगा मुझे, ऑप्शन तो आ जाएगा, हाँ ऑप्शन आ जाएगा इन दोनों का, हाँ बैठते हुए हमें स्काईफॉल भी करना है। तो इन्फिनाइट हेल्थ लगा लेते हैं, 1120 से डालते हैं स्काईफॉल, और साथ में बैठे आए नीचे गिरे हम लोग, और मैं दूर गिरा इन दोनों गाड़ियों से। तो हो सकता है भाई कि यहाँ पे ना घोस ग्लिच लग चुका है, देखते हैं पास चल के, फ़ोन क्यों ले लिया इसने हाथ में, चल रख दे फ़ोन, ये आए पास में भाई, अच्छा प्लेजर है। ठीक है गाइस, तो इसके तो मैं आर पार नहीं जा रहा हूँ, घोस ग्लिच नहीं लगा, लेकिन ये लगा है कुछ और ग्लिच, जहाँ पे हमारा बंदा कुछ अलग ही स्टाइल में चल रहा है, ये कैसे चल रहा था, और जैसे ही मैं इसके पास आया ठीक हो गया ग्लिच, ओके तो इसी की बात हुई होगी। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ इतना बड़ा है कि इसको पढ़ के भी मुझे समझ नहीं आया, तो मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा और साथ में करूंगा। तो पहले हमें बुलाना है पुलिस की गाड़ी को, जिसका चीट कोड हम लगाते हैं 100 डालेंगे तो आ जाएगी। फिर हमें RGS टूल में लोड और एंटर का ऑप्शन साथ में दबाना है, तो इसलिए मैं बगल में ही खड़ा हूँ जहाँ पे मेरा लोड होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लोड दबाया और एंटर दबाया, तो हम आ चुके हैं एक जगह पे जहाँ पे ना कुछ तो ग्लिच हो जाता है, जिससे कि हम लोग कहीं भी चल नहीं पाते गाइस।
एक दीवार हमारे आसपास आ जाती है और हम उससे भाई पार कर नहीं सकते ना तोड़ सकते हैं। इसे तोड़ने के लिए एक ही तरीका है कि हमें इसके ऊपर कूदना पड़ेगा, जिसका तरीका है स्काईफॉल। तो स्काईफॉल का चीट लगाते हैं हम लोग 1120 से। लगा दी मैंने स्काईफॉल और अब हम शायद से इसके आर पार जा सकते हैं। ये देखो अब हम आराम से चल सकते हैं नॉर्मली जैसा पहले चल रहे थे। अब आगे करते हैं, तो आगे हमें एक दूसरी गाड़ी मंगानी है, तो पोर्शे मंगाते हैं यहाँ पे। अब दोनों में, अरे यार साथ में बैठना था लेकिन ये कौन सा ग्लिच हो गया। अच्छा ओके, तो इसलिए शायद स्टिकी बॉम्ब निकालने की बात हुई थी मिथ में। तो ये लो पहले स्टिकी बॉम्ब से हम दोनों पे लगा देते, तो अब एंटर का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन मैं एंटर करूँगा तो मेरा ग्लिच हट नहीं जाए क्योंकि दोनों में साथ में बैठना था। ओके गाइस एक काम करते हैं, बाइक को बुलाते हैं। बाइक पे शायद हम साथ में बैठे लेकिन बाइक का ऑप्शन आ नहीं रहा और ये मेरा बंदा हिल क्यों रहा इतना, मैं जा ही नहीं पा रहा यार। ये और ये क्या हो रहा है, स्क्रीन हिल रही है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई। गाइस यहाँ पे कुछ तो अर्थक्वेक जैसा हो रहा है जो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पता नहीं पूरी स्क्रीन जो है ना वो शेक मार रही है, कुछ मैं अटक रहा हूँ कहीं पे लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखो कैसा अर्थक्वेक आ रहा है ये। एक और बाइक स्पॉन कर दी मैंने, आ गया भाई, दोनों का ऑप्शन आ गया फाइनली। ये बैठ गया मैं बाइक पे, अब ये कहाँ घुस गया बाइक के अंदर, बाइक मैन, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो गया, ये क्या है, इसकी टांग कहाँ जा रही है, अरे टांग मुड़ रही, टांग मुड़ गई, ये क्या हुआ यार। देखा आपने इसके पैर, देखो यार क्या कर रहा है भाई ये, ऐसा लग रहा है बाइक को धक्का मार रहा है पैर से और फाइनली दूर आ गई और मैं पीछे लटक गया यार। कुछ तो हो रहा था, अभी इसकी टांग है ना ऐसी घूम गई थी पूरे शरीर में यार, लपेट लिया था इसने खुद को सांप की तरह, लेकिन अब फाइनल फॉर्म में आ चुका है ये, पता नहीं क्या बन गया है अब, ये बिल्कुल दूर आ चुका है बाइक के। और ये मिथ इतना ही है गाइस, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। तो ये थे आज के सारे मिथ्स या ग्लिचेस बोल सकते हो आप। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नए हो तो जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट कर देना नीचे अपने अपने मिथ्स ताकि हम उन्हें ले अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।